आजादी के बाद से अब तक भारत की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। प्रगति की दिशा में बढ़ता भारत हर साल दुनिया के लिए हर क्षेत्र में एक नया मिसाल गढ़ता जा रहा है। एक ऐसी ही मिसाल है भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, जो अपनी परियोजनाओं से पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में जल और बिजली की आपूर्ति करने में लगातार प्रयासरत है। बीबीएमबी द्वारा निर्मित भाखड़ा, कोटला, गंगुवाल और देहर जल विद्युत स्टेशन आज देश विदेश में प्रगति की पहचान बन गए हैं। और इसी क्रम से 1974 में एक नाम और जुड़ा, पोंग डैम, जो कि हिमाचल में ब्यास नदी पर आज भी शान से खड़ा है। इस बांध की कहानी शुरू होती है आज से 92 वर्ष पहले, साल 1926 में, जब इसका निर्माण का प्रस्ताव पहली बार रखा गया। ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद सारी जरूरतों और स्रोतों की सप्लाई की निश्चितता के बाद साल 1961 में पुरजोर गति के साथ बांध के निर्माण का काम शुरू किया गया। 13 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद साल 1974 में ये बांध बनकर तैयार हुआ। पोंग बांध का उद्घाटन उसी वर्ष यानी साल 1974 में किया गया। अपनी स्थापना के वक्त पोंग बांध को देश के सबसे ऊंचे बांध होने का गौरव प्राप्त था और आज भी समुद्र तल से 1430 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये देश का सबसे ऊंचा अर्थ फिल बांध है। इसकी बेजोड़ इंजीनियरिंग और बेहतरीन रखरखाव को देखकर आज भी कई लोगों को हैरानी होती है। विस्तृत ब्यास नदी को अपनी गोद में समेटे हुए पोंग बांध की ऊंचाई 436 फीट और लंबाई 6401 फीट है। इस बांध की कुल क्षमता 3,55,00,000 क्यूबिक मीटर्स है। जल के इतने विशाल स्तोत्र की सहनशीलता के लिए इसके ऊपर उठी हुई दीवार की चौड़ाई 45 फीट है। वहीं इसके मजबूत आधार पर यह चौड़ाई 2001 फीट हो जाती है। पोंग बांध में जल की निवासी के लिए कुल 6 द्वार हैं, जिनकी डिस्चार्ज क्षमता 12,375 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। बांध के निर्माण के दौरान नदी के प्रत्यावर्तन के लिए 5 कंक्रीट लाइन सुरंगों का निर्माण किया गया था, जिसमें से 3 सुरंग पावर हाउस की 6 मशीनों को पानी उपलब्ध कराती है और 2 सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है। पोंग बांध के जरिए बीबीएमबी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में सिंचाई का पानी प्रदान करता है। इस बांध के निर्माण के बाद यहाँ के आसपास के आम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले डैम नहीं होता था, बाढ़ आती ही तो पानी जल्द जगदम पानी आ जाना था कि अल जमीन डूब जानी पानी च, फसल ना होती। उदा डैम बन गया तो पानी कंट्रोल हो गया तो हम अपने हिसाब से छड़ते पानी, तो उन्ना ज़्यादा नहीं छड़ते। फसल कहते कहते जो कणक मक्की और फसल भी बह लेंगे तो पानी लगता कि अल पानी ना ठीक होती फसल। हम पहले पानी नहीं लगता तो बारिश ना ही जो बारिश हो गया तो आ होनी नहीं तो नहीं होनी। इसके निर्माण के बाद पोंग बांध ने ब्यास के जल को सही रूप में इस्तेमाल के साथ साथ यहाँ के निवासियों के जीवन को भी एक नई दिशा दी। इसके साथ साथ कांगड़ा स्थित पोंग बांध जलाशय महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। आज यहाँ हर साल समूचे विश्व से पक्षियों की कई प्रवासी प्रजातियाँ आती है और इनके संरक्षण के लिए भी नई संभावनाएं उजागर हुई है, जिसके कारण महाराणा प्रताप सागर आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रख्यात पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सैंक्चुरीज में से एक है। बिजली और सिंचाई के अलावा बांध के निर्माण से और भी कई सुविधाएं नजर आते हैं। बांध के आसपास के गांव में मछली पालन एक नया व्यवसाय बनकर उभरा है। डैम के पानी से ये फायदा हुआ कि हमें पानी का ना सोर्स मिल गया। एक फिश फार्मिंग के लिए सबसे पहले चीज़ सोर्स की, वाटर की ज़रूरत होती है, तो वाटर का सोर्स हमें मिल गया डैम के पानी से। फिर उसके बाद हमने फिश के लिए जो हमारा फिश ऑफिस है स्थाना में उससे कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि ऐसा ऐसा करो, आप फिश का जो बीज होता है वो अपने यहाँ पर पॉन्ड में डाल सकते हो। तो फिर हमने वो डाला और इससे हमने शुरू किया ये बात। ज़मीन में तो आपकी खेती होती है, ठीक है,
तो वो आपका एक साल बाद होगा या दो साल बाद उसका रिटर्न आएगा, इसका आपको साथ साथ पे रिटर्न मिलता रहेगा। वर्ष 1974 में इसके उद्घाटन के समय शायद किसी ने सोचा होगा कि ये परियोजना इन इलाके के भविष्य को पूरी तरह बदल के रख देगी। हिमाचल प्रदेश जहां भरपूर प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भौगोलिक विषमताएं और पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण सभी को विकास लगभग असंभव लगता था, वहीं पौंग बांध ने एक समृद्ध और खुशहाल राज्य की नींव रखी। सिंचाई के अलावा जल विद्युत के उत्पादन से भी आसपास के प्रदेश के आदिवासियों की जिंदगी में सुधार आया है। बांध के बिजली घर में जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए पानी तीन सुरंग में से आता है। ये सुरंग पावर हाउस के अंदर एक फ्रांसिस टर्बाइन जनरेटर से जुड़े हुए हैं और इसी टर्बाइन जनरेटर के जरिए पानी से बिजली बनती है। बांध के 6 विद्युत संयंत्र हैं। हर संयंत्र की क्षमता 66 मेगावाट है और बांध की कुल जल विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता 396 मेगावाट है। बिजली उत्पादन व वितरण का नियंत्रण बांध के मुख्य कंट्रोल रूम से किया जाता है। पौंग बांध में पानी को रोककर बिजली पैदा की जाती है। इसमें भाप की जगह ऊंचाई पर इकट्ठा हुए पानी को बहुत वेग से नीचे टरबाइन पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन घूमने लगता है, जो कि अल्टरनेटर को चलाती है और अल्टरनेटर विद्युत उत्पन्न करता है। बांध द्वारा बनाई गई बिजली ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के विभिन्न शहरों में उद्योगों की प्रगति की रफ्तार को दुगना किया। तो हमारे को इस स्कीम के बहुत सारे बेनिफिट हैं। फर्स्ट है कि हमको लगातार कंटिन्यूस सप्लाई मिलता रहता है, प्लस उसका जो कॉस्ट है अदर स्टेट से इस स्टेट में कॉस्टली वाला जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। यहाँ से 600+ लोगों को रोजगार दे रखा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मे बी टू 2000+। बांध के रख रखाव और तकनीकी देखभाल के लिए BBMB के इंजीनियर और अधिकारियों की एक टीम कार्यरत है, जो समय समय पर बांध का मुआयना करते रहते हैं और ध्यान रखते हैं कि बिना किसी रुकावट के बांध लगातार काम करता रहे। बांध और जलाशय के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए हर साल यहां देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। पर्यटकों की आवाजाही के चलते कांगड़ा और उसके आसपास के निवासियों को रोजगार की अपार संभावनाएं मिली हैं। अब वो होटल, रिजॉर्ट, गाइड या पर्यटकों के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए अपनी और अपने गांव की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रहे हैं। BBMB की अन्य अनूठी परियोजनाओं की तरह पौंग बांध भी इस संस्था को आज उत्तर भारत में विकास और प्रगति के संचालक होने का महत्वपूर्ण दर्जा दिलाता है। पौंग बांध आज अपनी स्थापना के इतने वर्षों बाद भी ब्यास नदी पर अपना सीना गर्व से ताने खड़ा है और अपने देश के लोगों की सेवा में लगातार प्रयासरत है, क्योंकि पौंग सिर्फ एक बांध नहीं, यहाँ के लोगों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है।